हेलो वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मोमेंटोज दोहा क्या हाल चाल हैं आपके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे मोमेंटोस दोहा today the topic of my video is birth certificate registration it's going to be a step-by-step -step guide to fill up the form which is e-service launched by ministry of public health during covid so that you can avoid an in-person contact um, first of all wahad bahad and to all new parents and to those who are having addition to their family welcome to parenthood Aap dor shuru ho gai hai ab. so roll up your sleeves and get

It's not that difficult. <laughs> अच्छा जी सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फॉर्म फ़िल करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से रेडी हों फॉर्म फ़िल करते हुए तो अच्छी बात होगी पहली चीज़ क्या है बेबी एज सी नंबर जो कि आपको हमद की तरफ से वैक्सीनेशन बुक के ऊपर पेस्टेड मिलता है वो चीज़ आपके सामने होनी चाहिए कह लो आप फ़ोटो ले लो उसकी मदर का क्यू स्कैन फ्रंट बैक एक ही पेज में हो फादर का भी इसी तरह हो मदर के पासपोर्ट का स्कैन फादर के पासपोर्ट का स्कैन मैरिज सर्टिफिकेट जो कि मोफा से टेस्टेड हो लाइव नोटिफिकेशन ऑफ द बेबी एक येलो स्लिप ये लोग प्रोवाइड करते हैं आफ्टर ऑल द वैक्सीनेशन आर डन एंड वैक्सीनेशन बुक के अंदर ये लोग मैंशन कर देते दे हैं उसके बाद एक येलो स्लिप देते हैं और वैक्सीनेशन बुक देते हैं आपको हाथ में तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे ये फॉर्म फिल करने के लिए उसके साथ आपको बता दूँ कि इंफॉर्मेशन आपको क्या रिक्वायर्ड है ताकि आप उस वक्त इधर उधर सर्चें मार रहे होंगे इट्स बेटर कि आप पहले से डिसाइड करके रखें इस इस फॉर्म में एक जगह पर यह आएगा कि आप बेबी का नाम इंग्लिश में कैसे लिखना चाहते हैं और अरबिक में कैसे लिखना चाहते हैं जैसे कि मेरा नाम सना है तो सना से से भी होता है सीन से भी होता है स्वाद से भी होता है और मेरा नाम जो है वो से से है सो so ये आपने खुद डिसाइड करना है कि बेबी का नाम आपने अरबिक या उर्दू में उसको कैसे उसकी उसके स्पेलिंग्स क्या होने चाहिए मदर का नेम तो ऑलरेडी अरबिक या उर्दू जो भी हमारा होता ही है और हमारे आई डी कार्ड भी होता ही है पर यह कि गूगल में उसको सर्च करके या अगर आपको उर्दू टाइपिंग आती है अरेबिक टाइपिंग आती है तो आप उसको पहले से निकाल के रखो अपना फादर का नाम भी रखो और अब डालो अब वेडिंग एनिवर्सरी की डेट जो हर दफ़ा भूले जाते हो ये भी आएगी अब अच्छा जी बिसमिला करते हैं इस फॉर्म का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हुई हूँ वहाँ से आप इसका लिंक खोल के इसको प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं सो द फ़र्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्म इज़ वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन सो यहाँ पर आपने सिटीज़न और रेजिडेंट करना है मैं आर वाला ही केस बता रही हूँ विजिटर का केस नहीं बता रही सो so, आर आप अपना करोगे सिटीज़न और रेजिडेंट आपने क्लिक किया उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्यू क्या आपका क्यू क्या है वो करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे तो तो उसके बाद आ जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है ये सेकेंड स्टेप है जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालोगे आपको आ जाएगा ओ अपने मोबाइल में और वहाँ से आप ओ वन टाइम पासवर्ड जो है वो आप डालोगे इस फ़ील्ड में यहाँ पर डाल दिया जी उसके बाद आपने कंफर्म कर दिया और नेक्स्ट फील्ड पे चले गए अच्छा जी अब आ गया सर्च फाइंड बर्थ रिकॉर्ड इसमें जो पहली फील्ड है वो है फाइल टाइप के अगर बेबी जो है वो गवर्नमेंट में हुआ है एच एम सी में हुआ है या प्राइवेट हुआ है अगर एच एम सी में हुआ है तो आप वो आप वो क्लिक करोगे अदरवाइज़ प्राइवेट मैं अभी आपको फ़िलहाल एच का बता रही हूँ सो अगर आप ये सिलेक्ट करते हो देन नेक्स्ट फील्ड में आपने एच नंबर डालना है कि है बेबी का एच नंबर क्या था जो कि वैक्सीनेशन बुक के ऊपर वो लोग पेस्ट करते हैं और ऐसे करके होता है कि बेबी ऑफ सो एंड सो और उसका ऊपर एच नंबर लिखा हुआ होता है अच्छा जी फिर उसके बाद बेबी की डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है और मदर का क्यू इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल में क्या है कि रिक्वेस्ट ऑप्शन अब रिक्वेस्ट ऑप्शन जो है इसमें तीन ऑप्शन दे रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपको तो नया सर्टिफिकेट चाहिए बेबी का तो आप ये फ़र्स्ट ऑप्शन को आप इसको प्रेस करेंगे अगर तो आपने अपनी पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन जो है बेबी की बर्थ रिक्वेस्ट फॉर्म में आपने अपडेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं और थर्ड जो है कि आपको ऑलरेडी आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो चुका हुआ है और आपको उसकी कॉपीज़ चाहिए तो ये तीन आपके पास ऑप्शन आ रही हैं आपने क्या करना है तो पहली चीज़ जिनके न्यू भी हैं वो कोर्स कोई मेरे ख्याल इतनी ज्यादा जरूरतें नहीं होंगी फर्स्ट तो यही पड़ेगी न्यू बेबी रिक्वेस्ट जो कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हमने इशू कराना है तो ये आप प्रेस करेंगे इसके बाद आ जाएगा जी एंटर बेबी डिटेल्स अब बेबी की डिटेल्स आप एंटर करेंगे इस फॉर्म में लेकिन जो ग्रे कलर हुआ हुआ है जिन फ़ील्ड्स में आप उनको टच नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर रिट्रीव कर ली है अकॉर्डिंग टू द एज सी नंबर और मदर की ओ आई डी उन्होंने निकाल ली अब यहाँ पर जी आ गया कि आपने अपने बेबी की बर्थ सर्टिफिकेट में अरबिक में नाम क्या लिख रखना है और फिर इंग्लिश में लिखना है तो उसके स्पेलिंग्स क्या होने चाहिए और ऑर्डर ऑफ द बेबी का मतलब आपके ख़ानदान में ये कौन से नंबर पे है बच्चा पहले नंबर पे है या लंबी कतार में कहाँ पे आता है ये आपने डालना है वहाँ पे अच्छा जी इसके बाद आता है मदर्स डिटेल अब मदरस डिटेल में भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि कतरी आई आईडी टाइप क्या है उसका आप आईडी नंबर डालेंगे अगेन इंग्लिश में नेम डालेंगे अरबिक में डालेंगे और फिर उसके बाद uh, uh, क्या डेट ऑफ बर्थ है एज वो खुद ही से रिट्रीव कर लेंगे रिलीजन डालना है क्वालिफिकेशन डालनी है ऑक्यूपेशन है फिर डेट ऑफ मैरिज डालनी है जी वेडिंग एनिवर्सरी डालनी है तो वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ईयर्स निकाल देगा उसके बाद आता है जी फादर डिटेल्स अब फादर डिटेल्स भी इसी तरह ही हैं सारी की सारी चीज़ें लेकिन इसमें वो भी आ जाता है खारमा का इलेक्ट्रिसिटी नंबर भी इन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है वो भी वो वो आपने डालना होगा और बाकी सारी चीजें भी ऐसी हैं कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट यू कैन पुट द इंफॉर्मेशन ईजीली अच्छा जी इसके बाद आ जाएगा एंटर डिलीवरी डिटेल्स इट्स एक्चुअली पिकअप बर्थ सर्टिफिकेट फ्राम द हॉस्पिटल आई डोंट नो वाई दे हैव इट डिलीवरी डिटेल्स एनी वेज डिलीवरी ऑप्शन में आप चेक करोगे कि कौन से हॉस्पिटल से आप इस ये को आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को पिक करना चाहते हैं अभी कोविड में उन्होंने आई थिंक सिर्फ चार या पांच में ही ये ऑप्शन रखी हुई है जिसको वो बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी कह रहे हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफिस करके कुछ कह रहे हैं आई uh, थिंक खोर uh, वक्रा सिड्रा अहली और शायद एक और है और शायद नहीं है बस मेरे ख्याल ये चार पाँच ही हैं आप ख़ुद कलेक्ट करोगे सर्टिफिकेट या कोई और करेगा इट्स बैटर कि खुद करो अगर कोई और करेगा तो आई थिंक उसकी और इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी उसका आई कार्ड और उसका नाम इस तरह करके आई थिंक एक और छोटा सा टेबल खुल जाएगा उसके बाद डिलीवरी हॉस्पिटल कहाँ पे हुई थी डिलीवरी तो फिर उसके बाद आप क्या आ जाएगा कि आपने सर्टिफिकेट की कॉपीज कितनी लेनी है एडिशनल कि आपको इंग्लिश की कॉपी चाहिए और अरेबिक की चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका औरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से जनरेट होएगा दैट इज़ गोइंग टू बी फ्री पर अगर आप एडिशनल कॉपीज इंग्लिश और अरबिक की लेते हो जो कि आपको एक एक लेनी भी चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ ही सकती है तो वो ट्वेंटी रियाल पर कॉपी दे आर गोइंग टू चार्ज फॉर यू उसके बाद क्या है कि आपको, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया था कि क्या होंगे सो so, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो बेबी एट नंबर या वैक्सीनेशन बुक की पिक्चर हो और अगेन मदर कतारी आई फ्रंट बैक जो है एक ही पेज में हो फादर का भी मदर पासपोर्ट बाबा का पासपोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए एंड लाइव नोटिफिकेशन जो कि येलो स्लिप ये लोग देते हैं वैक्सीनेशन बुक के डिलीवर करने के बाद सो so, ऐसे से जब कर लेंगे आप तो ये आपसे एक डिक्लेरेशन लेंगे कि आप कंफर्म करें बॉक्स को न, न, चेक करें कि आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एक्यूरेट है आप इसको डिक्लेयर करेंगे उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबमिट कर देंगे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ को फॉर्म सबमिट करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट अ मैसेज ऑन योर मोबाइल दैट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज़ रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एंड इन केस ऑफ रिक्वेस्टिंग एडिशनल बर्थ सर्टिफिकेट कॉपीज यू आर गोइंग टू हैव अ लिंक ऑन योर मोबाइल you just click the link and go for the payment with debit card credit card any of the card and then after that you will receive a sms on your mobile again that your birth certificate a baby's birth certificate is ready and you can come and collect it you will receive this message after the form completion around 4 to 5 hours that your birth certificate is ready for the collection and you can go next day and collect it maximum it takes two to three working days but uh, usually it is uh, completed in 4 to 5 5 hours and next day you can collect it easily. तो ये था सारा प्रोसेस फॉर्म फिलिंग का अगर वाकरा की बात की जाए तो वहाँ पर वाक्रा हॉस्पिटल के जो टाइमिंग्स हैं फॉर कलेक्शन ऑफ़ बर्थ सर्टिफिकेट इज़ सेवन टू ट्वेल्थ और डूरिंग कोविड आप जाएंगे तो दे आर गोइंग टू चेक योर एटराज एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर द पर्पज़ ऑफ विजिट सो आप वही मैंशन करोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है और वहाँ पर जाके आपको एच सी नंबर शो करना है या फिर मैसेज जो है या फिर ई मेल कुछ भी शो करके एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द बेबी इसके बाद का जो प्रोसेस स है यू आर गोइंग टू गेट द नाइकॉप डन एंड पासपोर्ट डन और उसके बाद आर पी लग जाएगा नाइकॉप और पासपोर्ट uh, और आर पी के लिए आम गोइंग टू मेक अनादर वीडियो आई विल बी मेटिंग यू विद अनादर वीडियो देन अला हाफिज